Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th exercise 11.1. chapter ka naam hai perimeter and area. To is exercise ki ye question hai, exercise ka ye question last 8th question hai. Okay, to ye abhi hum kar rahe hain. To is question mein kya hai, hame ek deewar de rakhi hai aur hame दरवाज़ा दे रखा है, दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप का है और इस पर वाइट वॉशिंग कलर करने की कॉस्ट दे रखी है, रेट दे रखा है, हमें कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, रेट दे रखा है मतलब कॉस्ट किसकी दे रखी है, एक मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है. तो हमें टोटल जो इसका वॉल का एरिया है वो पेंट करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी. अब जब हम पेंट कर रहे हैं तो दरवाजे पर तो ये करेंगे नहीं कलर, वही वाला जो दीवार पर कर रहे हैं, तो हमें टोटल इस एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारा पेंट करने वाला एरिया आ जाएगा. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है. अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. एक वॉल के अंदर एक डोर फिट किया हुआ है, ये डोर है, ये वॉल है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है 1 मीटर है. ठीक है, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर. जो वॉल है इसकी जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दे रखी है और जो ये ब्रेथ है ये 3.6 मीटर दे रखी है. राइट, अब हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट. फिगर 11.6 है, हमें कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है. और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ए फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. अगर जो हमें कॉस्ट निकालनी है इस वॉल पर पेंट करने की, अगर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट ₹20 होती है तो. ओके, बड़ी आसानी से होने वाला है. और अब हम 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट हमें 20 दे रखिए, तो टोटल जो एरिया आएगा इस पूरे में से माइनस करके इसको, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, हमारा आंसर आ जाएगा. लेट अस सी द सॉल्यूशन. तो पहले हम अगर इसको ए बी सी डी ऐसे कुछ, चलो वॉल का केस और डोर का केस ले लेते हैं, या फिर हम ए बी सी डी पी क्यू आर एस ले सकते थे. इन द केस ऑफ वॉल, लेंथ इसके लिए कैपिटल एल ले लेते हैं, लेंथ 4.5 मीटर, ब्रेथ 3.6 मीटर, एरिया एल मल्टीप्लाई ब्रेथ 4.5 मल्टीप्लाई 3.6. मल्टीप्लाई करें अगर हम 45 को 36 से, 6 5 जा 30 3 6 4 जा 24 24 प्लस 3 27 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 एंड 1 13 0 7 5 12 1 1 2 3 3 6 1 16 20. डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसके बाद भी एक डिजिट है, तो एक और एक दो डिजिट, दो डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे. यहाँ पर इतना आ गया ये मीटर स्क्वेयर एरिया. ओके, अब नेक्स्ट जो दरवाजा है डोर है उसका केस लेते हैं. इन द केस ऑफ डोर, लेंथ स्मॉल एल इज इक्वल टू 2 मीटर, ब्रेथ स्मॉल बी 1 मीटर, एरिया एल इंटू बी 2 मल्टीप्लाई 1 2 मीटर स्क्वेयर. अब हमें पेंट करने योग्य वाइट वॉशिंग करने योग्य एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एरिया
for white washing. White washing के लिए area क्या होगा? Area of wall minus area of door. वॉल के एरिया में से हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि डोर पे कलर नहीं करना, वाइट वॉशिंग नहीं करनी. तो एरिया ऑफ वॉल हुआ, हमने जो निकाला वो 16.20 माइनस एरिया ऑफ डोर वो 2 है, माइनस करेंगे. स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा, आप लोग कई बार ऐसा होता है इसके नीचे कर देते हो और 16.00 निकाल दोगे, या फिर इसको कहीं पर यहाँ पर डाल दोगे कहीं और, डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, कहीं डेसिमल नहीं है तो होल नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 14.20. ठीक है, 14.20 मीटर स्क्वायर हमारा वाइट वॉशिंग करने वाला एरिया आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 meter square area कितना हुआ, 20 rupees. Cost of white washing इतना area 14.20 meter square area is equal to 20 multiply में 14.20 हो जाएगा, राइट. अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, 0 4 2 2 4 14 2 28, ये आया, 10 इसकी आ जाएगी पीछे. ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 284 rupees हमारा आंसर आता है. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस वे वी हैव कंप्लीट दिस क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन मीन 11.2 एक्सरसाइज. इसको एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं कि हमें ये दीवार मिली हुई थी, दीवार के अंदर ही ये डोर फिट है, तो इस दीवार के लिए लेंथ और ब्रेथ हमें मिली हुई है, इस डोर के लिए लेंथ और ब्रेथ हमें मिली हुई है, हमें क्या करना होगा, पेंट करने योग्य एरिया निकालना है. तो उसके लिए क्या होगा, टोटल वॉल के एरिया में से हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे, तो जितना एरिया होगा उस पर हमें पेंट करना है, वाइट वॉशिंग करनी है. तो 1 meter square की कॉस्ट 20 होगी, तो वो पेंट करने योग्य है, वाइट वॉशिंग करने योग्य एरिया हमारा 14.20 आया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके रेट से हमारा आंसर आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, subscribe, share, comment and pressing the bell icon if you are new in the family.